हेड कान मसल पॉइंट्स होते हैं जानवर के देखने वाले। कुछ लोग होते हैं सिर्फ जानवर देखते हैं, कलर देखते हैं, लुक वाइज देखते हैं, पर ये भी देखते हैं कि इसके पॉइंट्स हैं रखने वाले कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और रमजान भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। रमजान भाई कौन सी ब्रीड ले आए हैं आज आप? भाई आपको बताया कि इंशाल्लाह सरप्राइज से सरप्राइज इंशाल्लाह देंगे, ये फ्रेंच मैस्टिफ है। मार्केट में तो पहली दफा ही नजर आई है जी ब्रीड ये। मार्केट में हर बंदा तो नहीं लेके आता, ये आपके सामने है, ये इंपोर्टेड ब्रीड लाइन है, इसको फ्रेंच मैस्टिफ कहते हैं, बड़े लोग इसको जानते भी हैं। और आपका वो बड़ा फेमस क्या कहते हैं सलमान खान, ये उसने भी ये रखे हैं। वही ना मूवीज वगैरह में ज्यादा इन है यार। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। रमजान भाई एज क्या होगी इसकी? इसकी एक ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का बच्चा है अभी। और दोस्त वैक्सीन वगैरह? वैक्सीन वगैरह कंप्लीट है, तो कुछ भी नहीं करवाना। भाई बाइट कोई सीन नहीं है? नहीं बाइट करते ही है। हाइट तो यार इसकी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, अभी मजीद बढ़नी है। रमजान भाई इसका पपी कितने का मिल जाता है? भाई इसका जो पपी है 60-70-80 हज़ार रुपये का मिल जाता है। तो जैसे शेफर्ड वगैरह दोस्त इजीली मिल जाते हैं, ये भी ऐसे ही मिल जाएगा या थोड़ा वेट वगैरह करना पड़ेगा इसके लिए? ये नहीं मिलता, और ये ज्यादा लोग जो है इसको इंपोर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल से मिलता है। कलर इनमें यही होते हैं या डिफरेंट कलर भी होते हैं? जो रनिंग में हो दोस्त। हाँ, इसमें यही कलर होता है, गोल्डन। और ये गार्ड डॉग के लिहाज से आप क्या कहेंगे? के लिहाज से बहुत बेस्ट है, और ये फैमिली डॉग भी है। ये शेफर्ड वगैरह से भी भारी वजूद का लगता है। 8 महीने का आपने बताया ना? हाँ जी, 8 महीने का। दोस्त इनकी एज वगैरह मजीद यानी के कह लें कि कितना जिंदा रहते हैं ये लाइफ टाइम? क्या 15 साल तक तो जिंदा रहते हैं। साइज वगैरह और गेन करते हैं या फुल है? नहीं, ये साइज तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो इसका साइज बहुत प्यारा होना है। अगर मैं इसका साइज आपको दिखाऊँ तो बहुत बड़ा साइज है इसका। दोस्त ये पैटेगरी है नॉन पैटेगरी है? इसके जो पेरेंट्स हैं वो इंपोर्ट हैं और ये नॉन पैटेगरी है। तो इसकी डिमांड क्या करेंगे आप? इसकी डिमांड तो मैं 1.5 लाख कर रहा हूँ। और अगर ये पैटेगरी होता? अगर ये पैटेगरी होता तो 3 लाख रुपए का। रमजान भाई कार्गो अवेलेबल है? कार्गो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसको रमजान भाई इनको भी वॉक वगैरह करवाई जाती है? जैसे आप हर वीडियो में शेफर्ड का खास तौर पे आप सही गाइड करते हैं कि जी मैं आपको बता देता हूँ, ब्रदर जो बड़ी हाइट के जितने भी डॉग हैं ना, इनको वॉक करवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी अक्सर जो है ना टांगे खराब हो जाती है जी। अच्छा रमजान भाई, अगर जैसे आपसे YouTube थ्रू परचेज वगैरह करते हैं, तो अगर कोई पेट यानी कि उनका बीमार हो जाता है या कह लें सीधा कह लें कि उनका शौक पूरा हो जाता है, तो आपको हम वापसी करवा सकते हैं, दे सकते हैं या नहीं? क्योंकि अक्सर शॉप वाले तो साफ मना कर देते हैं कि भाई सिर्फ सेल करने बैठे हैं, हमने किराए देने होते हैं, ये है तो वो है। तो आप दोस्त ले लेते हैं शौक पूरा होने के बाद या नहीं? नहीं, चिकन बॉइल्ड राइस वगैरह बड़े शौक से ले रहा है, और अभी ये हाइट कुछ भी नहीं है, 8 माह का ये पपी है, और साइज देख रहे हैं माशाल्लाह आपके सामने, हेड देखे इसका, और दूध के दांत है, बिल्कुल छोटे छोटे दांत है बच्चों वाले। यकीन मानेंगे अगर आप दांत देखें ना, इसके मुंह में आप एग रख दें, एग नहीं तोड़ सकता, इस तरह के दांत हैं, बिल्कुल छोटे वाले दांत हैं, और माशाल्लाह क्वालिटी आपके सामने है। रमजान भाई लुला बहुत है यार, चेस्ट वगैरह भी बहुत जबरदस्त है यार, बहुत प्यारे हो जाते हैं भाई। नहीं अभी तो कुछ भी नहीं आपको नजर आ रहा है, माशाल्लाह क्वालिटी वाइज चीज बहुत प्यारी है। रमजान भाई आपके पास कब से है ये? ये मेरे पास बड़े भाई 10-15 मिनट 20 मिनट पहले परचेज की है, ठीक है, और अचानक ही आप आ गए हैं मेरे पास, तो अचानक ही ये वीडियो बन गई है, वरना मैं इसको घर लेके जाने वाला था, और ये घर पे मेरे पास रहेगा इंशाल्लाह, जब दिल करेगा अच्छा क्लाइंट आएगा सेल करना। रमजान भाई आपके पास अच्छा शौकीन मिले, जो इसका अच्छा शौकीन है ये उसके लिए गोल्ड गिफ्ट है। रमजान भाई आपके पास मेल अवेलेबल होंगे? हाँ जी, शेफर्ड के कह लें या इसके कह लें, कोई 3 आप बता दो मेल अवेलेबल है मेटिंग के लिए। शफर के मेल भी बने हैं माशाल्लाह, अभी आपको मैंने बताया कि वो आपको सरप्राइज दूंगा, जर्मनी से मैंने ब्लैक शफर इम्पोर्ट करवाया था अभी, तो अब वो 12 माह का होएगा, तो फिर आपके व्यूअर्स के सामने लाऊंगा, सिर्फ 12 माह का वेट कर। दोस्त आपके पास लैब भी है ना कोई? हाँ जी, लैब मेटिंग के लिए चॉकलेट कलर का लैब पड़ा हुआ है, बहुत आला क्वालिटी का, और चीज आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और साइज देखें आप माशाल्लाह इसका, वो कह रहा है सारा खेलो यार, बहुत लवली है यार, बहुत लवली है। हालांकि आप कह रहे हैं कुछ टाइम पहले भी आपने लिया है, 1 डे भी नहीं हुआ इसको,
और आराम से वो जी खेल रहा है। और हालांकि जबको आपको पता शॉप के ऊपर है, अगर ये घर वगैरह आप ले जाते हैं और अगर हम कुछ दिन बाद वीडियो बनाते हैं तो रिएक्शन कुछ और ही होना था दोस्त। अभी ना हमारे साथ बेसिकली ना यहाँ पे कैट्स डॉग को देख के ना एक दूसरे को देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो घर में अकेला पेट पलते है ना और यहाँ पे आके वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये समझ लेंगे एक आधे दिन की बात है, ये तो यकीन मानेंगे इतना एक्टिव होगा, ये बॉल भी पकड़ता है और मजे की बात है ये शिकन भी करता है। अच्छा दोस्त इसकी बॉडी के ऊपर कट वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये पीछे से केयर वगैरह की गई है, वो वगैरह करवाई है, इसको बहुत जबरदस्त लुक है, इसको केयर बहुत अच्छी की गई है और 8 माह के सामने आके 8 माह में इस तरह कुत्ता बन जाए बड़ी बात। भाई अगर आपसे बाय करते हैं तो यार इसकी लुक तो काफी डेंजरस है, ऊपर से आपने चेन डाली हुई है इसको या पहले की ऐसे ही है? ये जिस तरह आया है ये वैसे का वैसे ही, अभी ये माशाल्लाह चेंज होएगा, अभी तो ये आपके सामने है, अभी तो ये 8 माह का बच्ची है तो अभी ये बनना है। ये इस टाइम डॉग फूड पे है या चिकन वगैरह, क्या सीन है दोस्त? इसको तो मैं अभी सिर्फ पहली दफा मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी चिकन ही दिया है, ठीक है, जो डॉग फूड खा रहा है मैक्सी वो अभी मेरे पास नहीं है, मॉडल टाउन से लड़के को मैंने भेजने लेने के लिए भेजा हुआ है, बैंक्सक्वेयर मार्केट में जो मिलती है। इसके फेस पे रिंकल वगैरह भी बहुत है यार, अभी तो ब्रीड का असर कहते हैं या बस वैसे ही इनमें नेचुरल होते हैं दोस्त? इनके अंदर नेचुरल होते हैं, ये फ्रेंच मैस्टिफ है, फ्रेंच मैस्टिफ बहुत कम मिलती है और ये आपको मैं बता दूं कि ये आपके व्यूअर्स के लिए गोल्ड गिफ्ट है, बहुत कम आते हैं इस तरह के डॉग। अच्छा रमजान भाई आप दोस्तों को काइंडली ये भी बता दो कि जो भी नेट के ऊपर प्राइस होती है ये फाइनल नहीं होती, कोई दोस्त इसलिए भी करते हैं यार इतने पैसे मांग रहे हैं ये है तो वो है, बात नहीं है, पता क्या बात है, पहले नंबर पे तो मैं आपको बताऊं कि मैं दिखाता हूं क्वालिटी, ठीक है, अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि डॉग मेरी मर्जी का हो और पैसे आपकी मर्जी के, इसी मुताबिक भी हो जाता है, पर ये है कि कमी पेशी इंशाल्लाह करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, हम करते हैं वही ना, प्राइस फाइनल तो नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती कमी पेशी। अच्छा हमारी जो मजे की बात है, जो पिछली वीडियो भी वनडे पहले हमने अपलोड किया उसमें लोग कह रहे हैं शोर बहुत है, वो बता दें किस चीज का शोर था और आज हमारे हालात बताएं जरा। बता देता हूं अभी ये मेरा पसीना देखें आप, ठीक है, और वो एसी वाला भाई भी मैंने बनवा लिया है तो एसी वगैरह भी आज बाहर भी मैं दिखा देता हूँ जरा, ये देख लो ये वही शॉप है मार्केट की जहाँ एसी वगैरह भी लगे हुए हैं, एक ये एसी है, एक ये एसी है और ये वजह देख लें ये फैन था जिस वजह से हमारी वीडियो खराब हुई है, एक वो फैन है। अब जाहिर सी बात है यार वीडियो तो बाद में है ना, पहले पेट्स वगैरह को भाई ने देखना है तो वो शोर इसलिए हुआ था, जो सारे दोस्तों ने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही आवाज़ नहीं आ रही तो वो ये था, आज फिर हमने फैन ऑफ किया हुआ, आपको पता वेदर कैसा चेंज हुआ है, हमें गर्मी भी उतनी लग रही है। हाँ जी और व्यूअर्स को ये भी दिखाएं कि किस तरह पसीनों में भरे हैं यहाँ पे, वही ना ये देख लें, आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं यार। चैनल पे नए आने वाले दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, इस चैनल पे आपको मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिला करेंगे, जैसे ईद वगैरह का सीज़न आता है तो आपको पता है हम लोग मंडी वगैरह भी जाते हैं, वहाँ के भी लोग आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके सामने है मार्केट में, आप बेशक आगे देखें एक दुकान नहीं है, यहाँ पर बहुत दुकानें हैं और आप दोस्तों की वजह से माशाल्लाह हर भाई वगैरह प्यार देते हैं, हमारी बनाए हमारी बनाए ये तो वो, लेकिन मैं सिर्फ उसी शॉप की ज़्यादा बनाता हूँ वीडियो जहाँ मुझे यार चीज़ समझ आती है, दुकानें यहाँ पर बहुत हैं, एक दुकान नहीं है, दो नहीं है, बहुत दुकानें हैं, अगर सिंपल मैं आपको कहूँ तो कह लें कि 20 दुकानें होंगी, लेकिन आपको मेरे इस चैनल के ऊपर एक ही दुकान की ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगी या 3-4 दुकानें कह लें जो कभी कभार आ जाती हैं ये तो वो, जब उनके पास अच्छे होते हैं, सारे ही अपने भाई हैं, सारी दुकानें हमारे पास हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन जहाँ मुझे यार चीज़ अच्छी लगती है ना मैं सिर्फ उधर ही आता हूँ। ये आप देख रहे हैं हेड वगैरह देखें, इसके कान देखें, 8 मंथ अभी इसकी एज है, वैक्सीन वगैरह इसकी क्लियर है और ये देख लें फेस वगैरह, और मार्केट में दोस्तों मैंने पहली दफ़ा ये देखा है इस तरह की, यानी कि ब्रीड ना बहुत कम आते हैं और अभी भी ये शॉप के ऊपर नहीं रहेगा, अगर कोई कल कोई क्लाइंट वगैरह आता है तो वो रमज़ान भाई से पूछ के आए कॉल करके, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ दिखाते हैं ना वो यहाँ पे भाई होती ही नहीं है, वो ये घर ले जाते हैं अपने। रमजान भाई नेक्स्ट कौन सा दिखाने लगे हैं या आज एक ही है? नहीं नेक्स्ट मेरे पास दो पपीज अभी मैंने परचेज की है गोल्डन रिट्रीवर के, तो फिर उन पर चलते हैं, कहते हैं गोल्डन रिट्रीवर मिलता ही है, इंशाल्लाह मैं गोल्डन रिट्रीवर दिखाऊंगा और मार्केट से हट के डॉग है जी। रमजान भाई इनके बारे में बताइएगा, ये मेरे पास पेड़ है गोल्डन रिट्रीवर का, ठीक है, मेल फीमेल पेड़ है ये। रमजान भाई एज क्या होगी? एज अभी इनकी यानी कि 2 माह के तो हो गए हैं ये, साइज काफी अच्छा है यार, ये क्या सीन है इनका, फीड का क्या सीन है, फीड का राज पहले आप बताएं। फीड पता क्या है, अभी ये मदर थे, अभी ये सेल्फ हो गए हैं, मदर फूड पे थे, ठीक है, और ये अभी सेल्फ हो गए हैं, मैं सेल्फ करके खुद लेके आया हूँ, मार्स के पास से उठा के लाया हूँ, अगर कोई व्यूअर्स कहेगा मैंने इसके पेरेंट्स देखने हैं वो मेरे साथ चले, पेरेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और क्वालिटी देखे माशाल्लाह जी, वो तो चीज़ नज़र आ रही है ना, दिखानी भी नहीं पड़ती, क्वालिटी के पैसे हैं, क्वालिटी की चीज़ है और ये रिट्रीवर है, बहुत कम मिलते हैं रिट्रीवर, रिट्रीवर पे मिलते ही नहीं है, और ये कान देखे, कान पे हेयर देखें आप, कान
कानों पे हेयर देख रहे हैं और ये हेड पे हेयर देखें आप, ये हेयर देखें, ये सारे हेयर हैं इसके ऊपर। अच्छा, खाल भी काफी ज्यादा है इसे, अच्छा खासा साइज लेके जाएगा आपके। ये ऊपर भी बहुत हेयर है, अभी ये 2 महीने का, अभी वैक्सीन वगैरह इसका पहला शॉट लगा हुआ है, सेकंड शॉट जो है वो 15-20 दिन के बाद लगेगा। तो कितना खर्चा आ जाता है रमजान भाई वैक्सीन पे? वैक्सीन पे खर्चा तो कुछ भी नहीं आता, अच्छे डॉक्टर जो है वो 2,000-2,500 ले लेते हैं, अच्छी वैक्सीन हो जाता है, ये है कि पता लगता है कि वैक्सीन हुई है। कुछ लोग होते हैं वो सस्ते चक्रों में पड़ जाते हैं, तो उठने की वैक्सीन होती नहीं है, बाद में अपना पैट जाया कर लेते हैं, तो बाद में दुकानदार को कंप्लेन करते हैं कि मेरा पैट जाया हो। अच्छा, कुछ दोस्त वगैरह हैं जो चलते हैं डॉक्टर के ऊपर, आप क्या कहते हैं, किस पे जिस बंदे ने रखे हुए हैं उसकी सुननी चाहिए या डॉक्टर की सुननी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर जो है ना, अगर आप डॉक्टर के ऊपर जाते हैं ना, डॉक्टर तो हमेशा गलत गाइड करते हैं, मेरा पैट ले जाएंगे, वो कहेगा जी मेरे पास इसे अच्छे पड़े हैं, मेरे से ले हैं आप। पर पता क्या बात है, हम लोग हैं प्रोफेशनल, करने वाले हैं, वही ना, हमें पता है ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपने हर बीमारी देखनी है, हर मौसम देखना, हमने हर मौसम देखना है, हर बीमारी देखनी है, और हमने हर चीज हर लिहाज में चलना है। डॉक्टर ने सिर्फ बीमारी देखनी है, डॉक्टर को कुछ पता नहीं होता कि ब्रीड कौन सी है, डॉक्टर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी इसको कौन सी है, बस ये इश्यू है। आप इन्हें इस टाइम क्या फीड दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास इस टाइम मौजूद है, मैंने अभी चल भी अच्छा खासा रहे हैं, चिकन दिया, अगर मेरे पास डॉग फूड होती तो मैं इनको भी, इसको भी जरूर देता और वो फ्रेंच पेस्टिक को भी जरूर देता, अभी ये दोनों ने चिकन लिया मेरे से और इंशाल्लाह कल तक ये बिक जाएंगे। रमजान भाई डिमांड क्या करेंगे आप इनकी? एक पपी जो है 45 का दूंगा। फाइनल या थोड़ा प्यार हो जाएगा यार, नहीं 45 ज्यादा तो मैं मांग नहीं रहा, लैब्राडोर पपी इतने का मिलता है 45 का, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे चैनल की वजह से यार आपको करना तो पड़ेगा ना भाई। क्यों नहीं भाई, कोई आपका व्यूवर्स आएगा उसके साथ खसूसी तौर पे प्यार मोहब्बत होगा और जिस तरह वो कहेंगे वैसे हो जाएगा। पर ये है कि क्लाइंट अक्सर कहते हैं कि मेरे पास ये देखिए ना 45 का मैंने आपको रिट्रीवर दिखाया, मेरे से अगली शॉप पे जाएंगे वहां से 500 का रिट्रीवर मिलेगा, पर वो कहेंगे कि पीछे वाला भाई, भला क्या मेरे भाइयों, ये होता है कि क्वालिटी, मैं दिखाता हूँ क्वालिटी, ये देखें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और हेड देखें, इसका बोन देखें, पंजा देखें, अभी ये 2 माह का है, और इसके अगर कानों पे आ जाते हैं तो कान देखें, हेड कान मसल पॉइंट्स होते हैं जानवर के देखने वाले। कुछ लोग होते हैं सिर्फ जानवर देखते हैं, कलर देखते हैं, लुक वाइज देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि इसके पॉइंट्स हैं रखने वाले कि नहीं है, और आपके सामने है पूरे पॉइंट्स में कुत्ता खड़ा है। रमजान भाई नॉन पेट हैं ये? हाँ जी नॉन पेट है, पेडिग्री पेरेंट्स के बच्चे हैं और आपके सामने खड़े हैं, और कोई भी मुझे कह दे ये इसमें एक बाल में भी फर्क है और उसको मैं जो कहेगा इंशाल्लाह नाम लूंगा। अच्छा रमजान भाई, मुझे इतनी कॉल आती हैं, हालांकि नंबर वगैरह आपके दिए हुए हैं, ये तो वो दोस्त, कुछ लोग ऐसे हैं अगर उन्होंने नहीं भी लेना ना, लेकिन वो आपसे मिलने आते हैं। हाँ जी, आप यार शॉप के ऊपर नहीं होते उस टाइम, कल टाइमिंग बताओ जरा आप अपनी। पता क्या बात है, मेरी टाइमिंग है भाई 2 बजे के बाद मैं शॉप पे आता हूँ। और आप क्या कह रहे हैं कल आया था, क्या हुआ? कल मैं आया शॉप पे तो पेशावर से क्लाइंट आए थे, मेरा वेट कर रहे थे 2 घंटे से, मैंने उनको भी बताया कि आप 2 बजे के बाद आए तो इंशाल्लाह मैं अच्छा गाइड करूंगा, लड़के होते हैं 2 बजे से पहले सुबह 9 बजे। इस तरह आपकी शॉप का नाम क्या दोस्त? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमजान। इस नाम से कितने बंदे हैं इस मार्केट में, मुझे बताएं ना जरा। इस नाम से कोई बंदा नहीं है इस मार्केट में, सिर्फ मैं ही अकेला रमजान नाम का। क्योंकि आपको पता है कि अक्सर खास तौर पे फीमेल्स के साथ ऐसा ही होता है, आप जरा खुद ही बता दें वो स्टोरी। मेरी स्टोरी ये है कि मेरे पास यहाँ पे बहुत क्लाइंट आते हैं अल्लाह के फजल करम से, और जो मेरा नसीब है ये आपको मैं कहता हूँ कि नसीब कोई भी नहीं किसी का कुछ छीन सकता, मेरा नसीब मेरे पास चढ़ के आ जाता है। पर अक्सर क्लाइंट आते हैं जी हमने आपकी शॉप ढूंढते हो, समनाबाद किसी को वो भी ऐसा कुछ था। क्लाइंट आया उसको ये मेट्रोपुर की बैक साइड पे भेज दिया कि रमजान भाई की शॉप उधर है। अक्सर क्लाइंट के साथ धोखा हो जाता है, मेरी शॉप का नंबर है 6 नंबर शॉप है, प्रिटी बैट्स पे आए। टाइमिंग बताएं अपनी टाइमिंग। 2 बजे के बाद आए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले 03244036562 रमजान नाम है मेरा, ठीक है। 2 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया करें क्लाइंट। अपनी शॉप का वो बता दें टाइमिंग, शॉप की टाइमिंग सुबह 9 बजे हमारी शॉप खुल जाती है, रात को 10 बजे तक खुली होती है। मैं 2 बजे कोई डे तो नहीं ऑफ होता दोस्त हमारी, तो ईद वाले दिन भी शॉप खुलती है, क्योंकि ये पेट्स की तो ईद नहीं होती, हमने इनको देखने जरूर आना है। टाइम भी मैं आपको दिखा दूं, वीडियो किस टाइम बन रही है ये देख लें जी, 11 से ऊपर टाइम हो रहा है, सिर्फ आप दोस्तों के लिए इतनी मेहनत करते हैं।
तो ये देख लें आपके सामने वाला यार, इतनी मेहनत करते हैं चैनल पे, नए आने वाले दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रमजान भाई आप भी थोड़ा सा कह दें। मैं तो भाइयों को यही बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह वीडियोस अच्छी से अच्छी आती रहेंगी। जो आपको कोई पेट पसंद भी आ जाता है, आपने ये नहीं समझना कि कमी पेशी नहीं रहेगी, तो इंशाल्लाह हम पहले भी कमी पेशी करते हैं और करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।